हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नामांकन के पहले दिन नहीं भरा किसी प्रत्याशी ने आवेदन। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन के पहले दिन जिले में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने नामांकन के लिए कार्यालयों के बाहर बैरिकेड्स और पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जानकारी के अनुसार नामांकन के पहले दिन नामांकन के फॉर्म के लिए लोग पहुंचे और करीब 48 से 50 फॉर्म भी दिए गए। बाड़मेर SDM नीरज मिश्र के अनुसार पहले दिन नामांकन फॉर्म के लिए लोगों का आवागमन जारी रहा, हालांकि किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा। प्रशासन द्वारा पुलिस सहित विभिन्न इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। सर, आज नामांकन का पहला दिन है, कितने आवेदन अभी तक लोगों ने लिए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई? नामांकन का पहला दिन हमने कल ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। नामांकन से संबंधित जो भी आवश्यक तैयारियां होती हैं, रिकॉर्ड तैयार करना है, उसके लिए बैरिकेड्स लगाना है, पुलिस जाब्ता लगाना है, कार्मिक लगाना है, वो सारी तैयारी हमारी पूरी है। आज के दिन 3 बजे तक कोई एक भी नामांकन नहीं भरा गया, किंतु फार्म कई लोग ले गए हैं, जिसमें करीब करीब हमारे 50 फॉर्म यहाँ से गए हैं। जो लोग जो भरने के इच्छुक हैं वो ले गए हैं। हर एक प्रत्याशी एक साथ 4 सेट जमा कराता है। सर, इस पर विशेष क्या रहेगा फॉर्म जमा करवाने में या आवेदन में, ऐसा कुछ है? कुछ नए निर्देश? नए निर्देश एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार शपथ पत्र है जो उसको अपना भरना है, उसका संपत्ति का विवरण है, उसके अपराध संबंधी है, यदि कोई अपराध है या मुकदमे पेंडिंग है तो उसकी डिटेल देनी है, फिर उसको अखबार में वेबसाइट में भी प्रकाशित कराना है। बाड़मेर से जागरूक TV की रिपोर्ट।